हमारा भारत बहुत से रहस्यों को अपने गर्भ में समेटे हुए है, जिनसे विज्ञान अभी तक भी परिचित नहीं हो सका है, जिन्हें सुनकर बहुत हैरानी होती है कि क्या वास्तव में ऐसा मुमकिन है भी या नहीं। दोस्तों, इन घटनाओं के साक्षात्कार हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी रहे हैं। दोस्तों, नॉलेज गंगा के इस अध्याय में आज हम बातें करेंगे कुछ ऐसे ही रहस्यमय बातों के बारे में, जिनको विज्ञान आज तक नहीं सुलझा सका है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक ऐसे मानव से जो पिछले 72 सालों से भूखा है, जिसने इस अवधि के दौरान अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं खाया है। वे 72 सालों से आज भी जीवित हैं। उनका नाम है प्रहलाद जानी। 88 वर्षीय प्रहलाद जानी के इस दावे की जांच करने के लिए डॉक्टरों की एक 35 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। उन्होंने 15 दिन तक सीसीटीवी लैस कमरे में जानी को रखा, लेकिन तब भी यह पाया गया कि उनके शरीर पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ है। वे 15 दिन बाद भी पहले जैसे ही सामान्य बने रहे। विज्ञान की माने तो कोई भी व्यक्ति 7 दिन से ज़्यादा बिना पानी और भोजन के जीवित रह ही नहीं सकता, लेकिन यह मनुष्य पिछले 72 सालों से विज्ञान को चुनौती देता आ रहा है और फिर भी स्वस्थ है। दोस्तों, अगर वैज्ञानिक इनके भूखे रहने का रहस्य सुलझा लेते हैं तो भुखमरी जैसी गंभीर समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हैं बुलट बाबा उर्फ ओम बन्ना। दोस्तों, ओम बन्ना का रहस्य बड़ा ही विचित्र और अनोखा है। सन 1988 में ओम बन्ना अपनी बुलेट पर सवार होकर अपने ससुराल से वापस आ रहे थे। दुर्भाग्यवश रास्ते में वे एक पेड़ से टकरा गए और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर उनकी बुलेट को थाने ले आई, लेकिन अगली सुबह जो हुआ वह चौंकाने वाला था। वह बुलेट पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं थी। उस बुलेट को दोबारा उसी घटनास्थल पर पाया गया जहां ओम बन्ना की मृत्यु हुई थी। वह बिना किसी चालक के चलकर उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर ओम बन्ना की मृत्यु हुई थी। पुलिस उस बुलेट को थाने ले आती और वह फिर लौटकर वहीं चली जाती। पुलिस ने उस बुलेट को चैन से बांध दिया, लेकिन फिर भी वह बुलेट रहस्यमय तरीके से वापस आ गई। फिर पुलिस और ग्रामीणों को वह एक चमत्कार लगा, जिसके चलते उस बुलेट को वहीं छोड़ दिया गया। उस स्थान पर पहले बहुत सी दुर्घटनाएं होती रहती थी, लेकिन तब से वहां कोई दुर्घटना नहीं हुई। वह बुलेट आज भी वहीं पर मौजूद है। अब लोग इस बुलेट की पूजा भी करते हैं। यह कहानी आपको शायद एक फिल्मी कहानी की तरह लग रही होगी, लेकिन यह एक सत्य पर आधारित कहानी है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर एक ऐसी रहस्यमय घटना है जिसके साक्षात्कार स्वयं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में एक लड़की का जन्म हुआ, का नाम शांति देवी रखा गया। जब वह लड़की 3 साल की हुई तो तब से वह अपने पिता से कहने लगी कि उसका घर मथुरा में है और कहा कि उसके पति उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके घर वालों ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब वे 6 वर्ष की हो गई तो तब उन्होंने बार बार घर से भागने का प्रयास किया। उनके परिजनों ने उनका दाखिला पास ही के एक विद्यालय में करा दिया। वे वहां पर सभी से यही कहा करती थी कि वे शादीशुदा हैं और एक बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। जब उनके अध्यापकों से यह बात की गई तो उनके अध्यापकों ने बताया कि वे मथुरा की क्षेत्रीय भाषा में बातें करती हैं और बार बार अपने पिछले जन्म के पति केदारनाथ का नाम लेती रहती हैं। स्कूल के हेडमास्टर ने इस घटना में काफ़ी रुचि दिखाई और उन्होंने मथुरा में रहने वाले केदारनाथ को ढूंढ निकाला।
जिनकी पत्नी लुगदी देवी की मौत उनके बच्चे के जन्म के 10 दिन बाद हुई थी। उसके बाद केदारनाथ और उनके बेटे को दिल्ली बुलाया गया और उन दोनों का नाम बदलकर शांति देवी के सामने लाया गया, लेकिन शांति देवी उन्हें देखते ही पहचान गई। उसके बाद शांति देवी ने केदारनाथ को अपनी बहुत सी घटनाओं के बारे में बताया, जिसे सुनकर केदारनाथ को यह विश्वास हो गया कि वे वास्तव में उनकी मृत पत्नी ही हैं। इस घटना ने विज्ञान जगत के सामने बहुत से प्रश्न ला खड़े किए। जब महात्मा गांधी को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस विषय पर जांच करने के लिए एक टीम का गठन किया और उस टीम को पूरी तरह जांच करने के आदेश दिए। जांच टीम शांति देवी को लेकर मथुरा पहुंच गई, जहां शांति देवी सभी को पहचान रही थी। वह केदारनाथ और लुगदी देवी के सभी रिश्तेदारों और परिजनों को पहचान रही थी और वह मानव क्षेत्र की गलियों से काफ़ी अच्छे से परिचित हो। और अंत में जांच टीम ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि शांति देवी ही लुगदी देवी हैं। यह घटना बहुत से प्रश्नों को जन्म देती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें आगे भी ऐसी वीडियो लाने के लिए प्रेरित करें। हम रहस्यमय घटनाओं पर आगे भी बहुत सी वीडियो लाने वाले हैं। अगर आप किसी अन्य घटना पर जानकारी चाहते हैं तो आप उस घटना के बारे में कमेंट बॉक्स में बता दें।